नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने नया आइडिया लेकर आया हूँ। जबरदस्त आइडिया है जो मार्केट में जबरदस्त चलेगा। आप लोग का रिक्वायरमेंट था कि भैया लाइट वाला चाहिए, लाइट वाला टॉय चाहिए, तो लाइट वाला टॉय लेकर आए, वो जबरदस्त चलेगा। आप उसको चाहिएगा तो 10 में बेच सकते हो, चाहिएगा तो 15-20 में बेच सकते हैं। ऐसे जो टॉय है वो 20 रुपये मार्केट में चलेगा, जो दुर्गा पूजा त्यौहार आने वाला है, ठीक है, तो आप हर काउंटर पर जाकर उसको दे सकते हैं या फिर आप स्कीम बनाकर उसको बेच सकते हैं, ठीक है, लॉटरी के माध्यम से बेच सकते हैं। आपका जैसे मन करेगा वैसे बेच सकते हैं और जबरदस्त चलेगा। देखिए हमारे पास ये लाइट वाली चिड़िया है जो मार्केट में जबरदस्त चलती है। अब ये लाइट कैसे जलेगा, यहाँ पर फंक्शन दिया गया, अब इसको यहाँ चाबी देने के साथ ही देखिए पूरा जलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम दिखाते रहते कि यहाँ पर देखिए किस प्रकार से जल रहा। हम बहुत सारा का लाइट यहाँ देते हैं, देखिए कितना गजब का लाइट मार रहा। यहाँ चाबी लगाना है और यहाँ पर करते चल जाना है। देखिए यहाँ कितना लाइट मारा, झकझक झकझक जल रहा। कबूतर, ठीक है, कबूतर है, पता नहीं कौन, चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया रानी, चिड़िया रानी। तब देख लीजिए कितना लाइट अभी चल रहा। अब इसको अंधेला में जलाइएगा ना तो जबरदस्त चलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिए लाइट भूख भाग कर रही है, ठीक है, और इसको अगर चाहिएगा तो मतलब अंधेला वाला रूम रहेगा, रात को रहेगा तो पूरा जगमग जगमग करेगा। और अभी दुर्गा पूजा दीपावली सब आ रहा, अपना घर में सब सजाएगा, हर ये दुकान हर काउंटर में बिकेगा माल, और ये जबरदस्त चलने वाला है। क्योंकि ये टॉय ऐसा है कि मतलब लाइट देखकर बच्चों लोग ज्यादा पसंद करेंगे, महिला लोग, लेडीज लोग अपना टीवी पर, बाजा पर, मतलब अलमारी पर ये सब सजा सजा कर बिकेगा। ऐसा नहीं कि इसमें शुगर कोटेड सोप डालना है, शुगर कोटेड सोप वाली ये टॉय नहीं है, पहला नंबर समझ लें। तो भैया बोलिएगा इसमें सोप कहाँ से डालेंगे, सोप ये डालने वाली नहीं है, क्योंकि ये इसका जो टॉय का क्वालिटी है पूरा हेवी है। यहाँ चापिएगा तो चापेगा नहीं, पूरा हेवी पूरा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पर गोड़ी बना गया, इसका अंदर में बैटरी सब लगा गया। अब बोलिएगा भैया 5 रुपये वाला चाहिए, तो 5 रुपये में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें लाइट गुल सब चीज़ दिया गया और इसका साइज भी बड़ा है। आप देख लीजिए कितना बड़ा साइज है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से मार्केट में सेल कर सकते हो, जबरदस्त सेल कर सकते हैं। ये सब जो लाइट वाली है ना मार्केट में चलते हैं, अब लाइट वाला भी लीजिए, बिन लाइट वाला भी लीजिए। इसी प्रकार से बिन लाइट वाला जो रहेगा वो लगभग 5 रुपये बिक्री का आता है। मन लाइट लग जाने कारण देखिए इसमें बैटरी लगता है, घुमाने वाला पूरा फंक्शन उसको जोड़ा जाता है, इसमें थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ये सब 10 रुपया 12 रुपया 15 रुपया वाला आप इसको मार्केट में 10 रुपये में छोड़ दीजिए, अगला होलसेलर इसको 15 या 20 में छोड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारा टॉय मिलेगा, आप हमारे यहाँ से टॉय खरीद कर मार्केट में सेल कर सकते हैं। अच्छा खासा महीना का 10,000 20,000 15,000 भी कमा सकते हैं शुरुआत, आप 5,000 से भी कर सकते हैं, 10,000 से भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई पाबंदी नहीं कि आपको 10,000 कहीं लेना है, 20,000 कहीं लेना है। आप चाहिएगा तो आपका इच्छा के अनुसार, अपना बजट के अनुसार ले सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ अगर चॉकलेट कैंडी भी मिलती है, आपको को 1 kg चाहिए, 5 kg चाहिए, 10 kg चाहिए, 50 kg चाहिए, 100 kg चाहिए, जितना भी चाहिए उतना मिल जाएगा आपका आज़ादी के अनुसार। जैसे बहुत सारे लोग बोलते रहते भैया यहाँ तो पाबंदी लगा हुआ कि आप 10 किलो लीजिएगा तब मिलेगा, 20 किलो लीजिएगा तो मिलेगा, 100 केजी लीजिएगा तब मिलेगा, आप हमारे यहाँ से 20,000 का माल लीजिएगा तब मिलेगा। इस प्रकार का बहुत सारे लोग बताते रहते, बहुत लोग बताते रहते भैया यहाँ गए माल लिखवाएं, दूसरा माल दे दिया, तीसरा, तो इस प्रकार से बहुत सारा समस्या आते रहता है, ठीक है। तो आप, मेरा मानना है कि फर्स्ट टाइम अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फर्स्ट टाइम विजिट कर लीजिए भी, और विजिट करने के बाद कहीं से भी आप कहीं भी अगर माल टॉय खरीदते हैं ना तो विजिट कीजिए, अपना प्रोडक्ट देखिए, क्योंकि देखिए यूट्यूब में कुछ दिखता है अलग और डायरेक्ट रहता है अलग, क्योंकि कैमरा का सब खेला होता है, ठीक है, जो हम खुल के आपको बता दे रहे। तो इस प्रकार से आप बिजनेस को कर सकते हैं और अपना मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो छोटा छोटा टॉय से छोटा छोटा बिजनेस करके आप एक बड़ा व्यापारी बन सकते हैं और हाई लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई कला की जरूरत नहीं, कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं कि हम पढ़े लिखे हैं तभी ये काम कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। जो पढ़े लिखे हैं वो भी कर सकते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं वो भी कर सकते हैं, कि सिर्फ क्या होगा आपको बात करने का तरीका होना चाहिए, ठीक है। जो आपको मेहनत पर वो कला निखर कर आएगा, जब मार्केट में जाइएगा तो बात करना सीख जाइएगा, अगल बगल व्यक्ति का देख के आप वो सीख जाइएगा कैसे अगला बात करता है, उसी प्रकार से आपको भी बात करना है और मार्केटिंग सीख जाइएगा। मार्केटिंग करने के लिए कोई ज़्यादा आपको परिश्रम की जरूरत नहीं है, तो आप व्यापार को स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और मेहनत कीजिए, देखिएगा यदि सफलता जरूर मिलेगा आपको। तो हम ज़्यादा कुछ ना बोलेंगे, सोचिए समझिए विचार कीजिए और बिजनेस को स्टार्ट कीजिए। धन्यवाद।